हाजिर है हमारे शहंशाह एसुस योबुक 16X म्यूजिक। अब देखो यार, आप लोग इतने सारे कमेंट कर दिए थे कि 16X का रिव्यू चाहिए और आप बोले और हम ना करें, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो पहले डब्बा खोल लेते हैं। पर्यावरण, सफेद चादर में लिपटा हुआ हमारा एसुस का व्यूबुक 16X, कुछ ज्ञान की बातें, 90 वॉट का पावर एडाप्टर, मतलब काफी अच्छा है। जनरली 65 वॉट का पावर एडाप्टर आता है, लेकिन यहाँ पर 90 वॉट का एडाप्टर दिया गया है, जिससे आप सुपर फास्ट वे में अपने लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे। सो लैपटॉप का घूंघट उतार लेते हैं। क्वाइट ब्लू कलर में आता है, काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, ऑफिशियल कलर है और बैक पैनल कुछ इस तरह का है। सो फाइनली ये है एसुस योबुक 16X, द मोस्ट पावरफुल अल्ट्रा बुक अंडर 50,000। सो हमेशा की तरह लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेसिफिकेशन एंड अपग्रेड्स ऑफ दिस लैपटॉप। AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप आता है, 6 कोर एंड 12 थ्रेड है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, AMD Ryzen 5 5600H स्टिल पावरफुल देन Intel i5 12th Gen 1240p प्रोसेसर। अभी जो मैं वेरिएंट रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर 16GB DDR4 डुअल चैनल 3200 MHz का रैम दिया गया है, 8GB का ऑनबोर्ड रैम एंड 8GB का रिमूवेबल रैम देखने को मिल जाता है। और आप सभी के रिक्वेस्ट में बैक पैनल को मैंने ओपन किया था, यहाँ पर आप आराम से अपग्रेड कर पाएंगे। एक आपको ऑनबोर्ड रैम देखने को मिल जाता है एंड एक रैम के स्लॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर आप मैक्सिमम 16GB तक रैम अप्लाई कर पाएंगे। सो इन टोटल ये लैपटॉप में 24GB तक रैम सपोर्टेड है। 512GB का PCIe NVMe.2 Gen 3 SSD के साथ ये लैपटॉप आता है एंड SSD के एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, मैंने ओपन किया था यार, वहाँ पर आप देख पाएंगे। एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप में आप 1TB तक SSD लगा पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। सो यहाँ पर रैम एंड SSD बोथ आर अपग्रेडेबल, सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये लैपटॉप में AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है विद द 7.7GB शेयर्ड GPU मेमोरी, क्योंकि ये 16GB वाला वेरियंट है। एंड सभी AMD लैपटॉप में आपको 512MB का डेडिकेटेड GPU भी देखने को मिल जाएगा। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इंटरमीडिएट लेवल का ग्राफिक्स वर्क आसानी से कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, दिस लैपटॉप है लेटेस्ट वाईफाई वर्जन 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। और हाँ यार, साथ में सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद दैट सभी स्लिम सीरीज लैपटॉप की तरह MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस। सो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना कि इसे MS Office है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिल जाता है। एंड वारंटी भी बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 1 ईयर का इंटरनेशनल वारंटी देखने को मिलता है एंड डोमेस्टिक ऑन साइट वारंटी रहेगा, मतलब आपके घर में आके लैपटॉप सुधारे जाएंगे। सो ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC, IT इक्विपमेंट, मतलब सभी चीज अवेलेबल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट देयर। सो गाइज, ये है एसुस का व्यूबुक 16X, क्वाइट ब्लू कलर में आता है, काफी ज्यादा प्रीमियम लुक है। टॉप लेट में आपको एसुस व्यूबुक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इन द मिनिमल वे। टॉप लेट फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स इज जस्ट मिनिमल यार, मतलब बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल ये लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड बैक पैनल भी आपको प्लास्टिक के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े एयर इंटेक वेंट्स हैं हवा लेने के लिए, अलॉन्ग विद दैट बड़े बड़े राइजर दिए गए हैं फॉर द बेटर एयर सर्कुलेशन एंड 2W2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। एंड ये वाले पोर्शन में भी 2 रबर ग्रिप दिया गया है, जब आप लैपटॉप को ओपन करेंगे तो सच कोई भी स्क्रेचेस नहीं आएगा। ओवरऑल ये लैपटॉप 16 इंच का है, लेकिन 15.6 इंच और 16 इंच में मात्र 0.4 का डिफरेंस है, तो कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं लगता यार। 1.8 किलोग्राम के साथ ये लैपटॉप आता है, हैंडी बोलूंगा क्योंकि उतना भी बड़ा नहीं है, 0.4 का ही डिफरेंस है। बट एक दिक्कत वाली बात, ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता, क्योंकि बड़ा है ना 16 इंच का, तो उतना अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता। हालांकि इसका हिंज काफी ज्यादा अच्छा है, 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है एंड सच मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं मिला इन एसुस योबुक 16X हिंज। हालांकि लैपटॉप वन हैंड से ओपन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस दिया गया जिससे आप आसानी से लैपटॉप ओपन कर पाएंगे। एंड मैंने आपको बताया लैपटॉप को बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, तो स्क्रीन वॉबलिंग भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, दैट मींस दिस लैपटॉप पासेस द बिल्ड क्वालिटी टेस्ट। 180 डिग्री का फ्लैट इंच दिया गया, तो इसी खुशी में देख लो लैपटॉप के अंदर की सुंदरता। एसुस योबुक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, बिल्कुल स्लिम बेजल से यार, एंड 16 इंच का डिस्प्ले इज लिटरली गुड। अगर आप वर्क करते हैं तो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पाम रेस्ट एरिया में राइजन 5, एलेक्सा, MS ऑफिस, एसुस योबुक के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स देखने को मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट स्क्रीन के जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिल जाता है, यहाँ से लैपटॉप हवा छोड़ेगा
एंड ये वाले पोर्शन में भी आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट दिए गए हैं। एंड उससे भी अच्छी बात, एंटीबैक्टीरियल कोटिंग के साथ Asus VivoBook 16X आता है, मतलब बैक्टीरिया से बिल्कुल मुक्त रहेगा। यहाँ पर आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, 19.9mm का की पिच है, 1.4mm का की ट्रेवल। लिटरली द कीबोर्ड क्वालिटी जस्ट सुपर यार। मैंने यहाँ पर टाइपिंग करके देखा, की ट्रेवल्स काफी अच्छा है, ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड F7 बटन प्रेस करके आप बैकलिट कंट्रोल कर सकते हैं। 3 लेवल का आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है इन Asus VivoBook 16X बैकलिट। एंड साउंड ऑफ खुद ही सुनिए। जो सबसे अच्छा चीज लगा वो है इसका ट्रैकपैड, मतलब ये मैकबुक से भी बड़ा ट्रैकपैड दिया गया है। तो जितना अच्छा ट्रैकपैड रहता है, जितना बड़ा साइज का ट्रैकपैड रहता है, हमारा वर्क फ्लो उतना अच्छा हो जाता है। तो काफी अच्छा ट्रैकपैड है, मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिल जाता है इन द ट्रैकपैड एरिया। एंड इसका भी रिस्पॉन्स रेशियो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आपके घर में कोई बच्चे वगैरह रहते हैं और आपको ट्रैकपैड बंद करना है, देन यू कैन ऑल्सो टर्न इट ऑफ बाई प्रेसिंग द F6 बटन। 16S सीरीज में मेरे को एक भी लाल कलर का बटन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको टाइटल बार के नीचे एक लाल कलर का बटन मिलेगा, वहां आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। So, देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। एक USB 2.0 पोर्ट, 480 Mbps का डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। राइट साइड में भर के पोर्ट्स दिए गए हैं। एक AC स्मार्ट पिन जहां से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। एक HDMI 1.4 का पोर्ट दिया गया है, इससे आप 4K 30Hz तक डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। एंड फुल HD में 120Hz तक डिस्प्ले आउटपुट सपोर्टेबल है। 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट दिया गया है, इसका 5G/s डेटा ट्रांसफर रेट है। अलॉन्ग विद दैट USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट भी दिया गया है। ये Type-C पोर्ट से आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। यहां पर कोई भी पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट सपोर्टेबल नहीं है। एंड इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड है 5 Gbps। एंड 1 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 16 इंच का WUXGA रिजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द WE पैनल। WUXGA इज लिटिल बिट हायर देन फुल HD रिजोल्यूशन। इसका अगर पिक्सल्स काउंट बताऊं तो 1920x1200 होता है, वेर एज फुल HD जो होता है उसका रिजोल्यूशन रहता है 1920x1080। तो थोड़ा आपको हायर क्वालिटी देखने को मिलेगा इन Asus VivoBook 16X। हालांकि यहाँ पर IPS पैनल नहीं दिया गया है, WE पैनल के साथ डिस्प्ले आता है। ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसे आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। 300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, अलोंग विद दैट 45% NTSC का कलर गैमेट, विच इज अराउंड 62.5% sRGB। तो हाँ, ब्राइटनेस तो काफी अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल हम लैपटॉप रिव्यू करते हैं वहां पर 250 निट्स का ही ब्राइटनेस देखने को मिलता है। एंड 60Hz का रिफ्रेश रेट है, तो आप आराम से यहाँ पर कैजुअल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग ये सब वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर ग्रेडिंग ये सब वर्क करना है, देन प्रीफर 100% DCI-P3 कलर गैमेट और 100% sRGB डिस्प्ले। बाकी मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, Amazon में यहाँ पर लिख दिया गया है IPS लेवल डिस्प्ले, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन में क्लियर लिखा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 16 इंच WUXGA WE डिस्प्ले। IPS और WE पैनल के डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। IPS में थोड़ा आपको वाइब्रेंट कलर देखने को मिलता है, वेयर इज इन WE थोड़े वॉश्ड आउट कलर लगते हैं। बाकी आप खुद ही देखिए, डिस्प्ले क्वालिटी ओवरऑल मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। एंड बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि साइड से जब डिस्प्ले को देखते हैं तो कैसा लगता है, तो मेरे को इस सच कोई भी वॉश्ड आउट देखने को नहीं मिला। ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स काफी ज्यादा अच्छा है WE डिस्प्ले का। नाम ही यार वाइड व्यूइंग एंगल्स, तो साइड से भी अच्छा दिखेगा ना। और हाँ, Asus VivoBook 16X का डिस्प्ले फ्लिकर फ्री है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग भी दिया गया है, तो आई में कोई भी स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। 2W के 2 स्पीकर देखने को मिल जाता है विद द सोनिक मास्टर ऑडियो सपोर्ट। आवाज आप खुद ही सुनो यार। यहाँ पर आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद द प्राइवेसी शटर। एंड Asus वाले टेक्नोलॉजी में कमाल तो करते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 3D NR वेबकैम। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर AI नॉइस कैंसलिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, आप टेस्टिंग खुद ही देखिए। सो वेल गाइस, दिस इज द वेबकैम क्वालिटी ऑफ Asus VivoBook 16X। और अभी मैंने AI नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन ऑफ करके रखा है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली इसका साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। So, अभी मैंने AI नॉइस कैंसलिंग ऑन कर दिया है एंड देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। म्यूजिक अभी भी प्ले हो रहा है, तो आप यहां से क्लियरली एनालाइज कर पाएंगे कि AI नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन कितना ज्यादा हेल्पफुल है
अगर आप जूम कॉन्फ्रेंसिंग ये सब कर रहे हैं सर। सो इट्स टाइम फॉर द परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने मिला 1361 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 8402। अब मैं आपको बताना चाहूंगा राइजन 5 5600H का सिनेबेंच स्कोर इज स्टिल हायर देन इंटेल 12 जेन i5 1240p। सो आप आराम से यहाँ पर अपना मल्टीटास्किंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग सभी टास्क इजिली कंप्लीट कर पाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा हम सभी लैपटॉप में बेंचमार्क बताते हैं, तो आप वो स्कोर कंपेयर करके लैपटॉप को कंपेयर कर सकते हैं। जितने ज्यादा हायर स्कोर उतना अच्छा परफॉर्मेंस, ये सिंपल फंडा है। Geekbench 5 में 1390 का सिंगल कोर स्कोर एंड 6239 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला, वेयर एज ओपन सीएल स्कोर रहता है जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस बताता है, स्कोर निकल के आया 14062। एंड 3D Mark 10 का भी स्कोर डिसेंट लगा क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, सो उस हिसाब से 1281 स्कोर इज जस्ट सुपर। PC Mark 10 में 5815 का स्कोर देखने को मिला। PC Mark 10 ना लैपटॉप में सभी चीज टेस्ट कर लेता है, फ्रॉम द वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंटिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब एक मल्टीटास्किंग टेस्ट करके स्कोर प्रोवाइड करता है। एंड एज पर द PC Mark 10 अगर 5000 से ज़्यादा स्कोर आता है, दैट मीन्स योर लैपटॉप इज कैपेबल फॉर मल्टीटास्किंग। एंड इसके स्कोर तो 815 ज़्यादा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा। देन ब्लेंडर का भी बेंचमार्क सुन लो, और मॉन्स्टर में 59 सैंपल पर मिनट, जंगसॉप में 37 सैंपल पर मिनट एंड क्लासरूम में 28 सैंपल पर मिनट। सो इस पर द बेंचमार्क आप अपना सभी टास्क कर सकते हैं, फ्रॉम द वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंटिंग, मल्टीटास्किंग, कोडिंग, मतलब कोई ऐसा टास्क नहीं है जो नहीं कर पाएगा इंटरमीडिएट लेवल में। बाकी आप आगे टेस्ट खुद ही देखिए। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो टेस्ट करके देखा, एमुलेटर वगैरह लॉन्च किया, सब सही सॉर्ट वर्क कर रहा था एंड मेरे को कोई भी लैग देखने नहीं मिला। सो आप आराम से यहाँ पर एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर पाएंगे और कोडिंग तो हो ही जाएगा जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड, यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग टेस्ट करके देखा, 4K 30fps का फाइल को इंपोर्ट किया एंड टाइमलाइन बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा था। क्योंकि लैपटॉप में डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है तो रेंडरिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी आप आराम से फुल एचडी लेवल का बटर स्मूथ एडिटिंग कर पाएंगे एंड 4K भी इंटरमीडिएट लेवल का कर पाएंगे। लेकिन जो एकदम कोर एडिटिंग करना चाहते हैं, लाइक उनका एडिटिंग ही मेन टास्क है, सो यू कैन गो विद द लैपटॉप विच हैव डेडिकेटेड जीपीयू, एटलीस्ट एनवीडिया GeForce GTX 1650। और हाँ, जिनको कैजुअली वीडियो एडिटिंग करना है लाइक सप्ताह में एक दो बार, देन यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। देन आप लोग के कहने पर मैंने यहाँ पर ऑटोकैड भी टेस्ट करके देखा, सभी टूल्स एकदम सुपर स्मूथ वर्क कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा 2D लेवल में। लेकिन आप 3D मॉडलिंग, सॉलिड वर्क, ब्लेंडर, ये सब सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द लैपटॉप विच हैव डेडिकेटेड जीपीयू। डोंट गो विद दिस लैपटॉप अगर आपको मेनली 3D मॉडलिंग वाला ही वर्क करना है। तो बस यार, अब हमारे गेमर भाइयों के लिए कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट। सो फर्स्ट गेम यहाँ पर मैं प्ले किया GTA 5 इन हाई रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग। GTA 5 में आराम से 40+ FPS इजिली देखने को मिल रहा था एंड GPU भी भरपूर यूज हो रहा था 100% एंड आपको 85 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर देखने को मिल रहा था। सो आप आराम से यहाँ पर GTA 5 बिल्कुल अच्छे क्वालिटी में प्ले कर पाएंगे, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था इन GTA 5। हालांकि आप HD रिजोल्यूशन में प्ले करेंगे तो आप 60+ FPS का इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर 60Hz का ही रिफ्रेश रेट है। The next game मैंने प्ले किया वो है Valorant in high resolution and default setting। आराम से 100+ FPS आ रहा था, मतलब Valorant आप बिल्कुल अच्छे से खेल पाएंगे एंड AMD Radeon ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा ग्राफिकल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एज कम्पेयरिंग विद Intel Iris Xe ग्राफिक्स। एंड ओवरऑल मेरा Valorant में भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS:GO इन हाई रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग। एंड CS:GO में भी आराम से 50+ FPS इजिली देखने को मिल रहा था, GPU 99% यूज़ हो रहा था एंड टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन हो चुका था यार। पहले 85 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था लेकिन अब गिर के 80 डिग्री तक आ चुका था। सो जैसे जैसे यहाँ पर फैन की स्पीड बढ़ता है तो थर्मल ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो आप आराम से लैपटॉप में कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे। अगर आपको हार्ड कोर गेमिंग खेलना ही है देन यू कैन गो विद द IdeaPad Gaming 3। सो यहाँ पर आपको 3 cell 50 वॉट का बैटरी देखने को मिल जाता है विद द 90 वॉट AC अडैप्टर। बैटरी बैकअप इज जस्ट सुपर। मैंने यहाँ पर फुल ब्राइटनेस में बिल्कुल कंटेंट वॉच किया एंड आराम से मेरे को 4 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिला। एंड हाँ, आप 50% ब्राइटनेस और बैकलिट वगैरह टर्न ऑफ करके वर्क करेंगे तो आपको आराम से 7 hours प्लस का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। एंड ये लैपटॉप में 90 वॉट का AC अडैप्टर प्रेजेंट है तो ऑलमोस्ट 60-70 मिनट में ये लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है। सो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा इन AMD Ryzen 5 5600H। और हाँ यार, थर्मल के बारे में भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको 87 ब्लेड वाला 1 fan का मॉड्यूल देखने को मिलता है विद द डुअल हीट पाइप। मैंने बैक पैनल ऑलरेडी ओपन किया था, वहाँ आप देखे होंगे एंड मेरे को ये लैपटॉप में सच कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। एंड जब मैं गेमिंग कर रहा था तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे फैन का स्पीड बढ़ता है देन टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं जाता। एंड फैन का नॉइज भी मैंने टेस्ट किया, 40-50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं जाता इन एक्सट्रीम कंडीशन। बाकी नॉर्मल वर्क में फैन ऑन नहीं होता,
तो काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है एंड कोई भी हीटिंग इशू ये लैपटॉप में देखने को नहीं मिला। सो अब बात आती है फाइनल कंक्लूजन की, ये लैपटॉप किसको लेना है। ये लैपटॉप ना अभी 46 to 47 thousand में इजिली अवेलेबल हो रहा है विद द 8 GB रैम वेरियंट, एंड अगर आप 16 GB वाला वेरियंट लेंगे तो आपको अराउंड 52 to 53 thousand में अवेलेबल हो जाएगा। सो 46 thousand में जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आ रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा है, कोई भी ब्रांड इतना परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप आपको प्रोवाइड नहीं करता। सो उन लोग ये लैपटॉप प्रीफर करें जिनको अल्ट्राबुक सेगमेंट में पावरफुल प्रोसेसर चाहिए। सो ये लैपटॉप में आप आराम से वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो सभी वर्क इजिली कर पाएंगे, सच कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिनको एकदम 3D मॉडलिंग वाला ही वर्क करना है वो डेडिकेटेड GPU के साथ आता है लैपटॉप, उसके साथ जाइए। एंड यही प्राइस पॉइंट में आपको लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 भी देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट अंडर 50,000। एंड कॉन्स के बारे में बात करूं तो ये लैपटॉप में अगर IPS पैनल दे देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बाकी एज सच ये प्राइस में मेरे को कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिला इन दिस लैपटॉप। एंड अपग्रेड्स ऑप्शन भी मैंने क्लियर कर दिया, आप लोगों के कहने पर बैक पैनल ओपन किया था, एंड हाँ रैम के एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, सो इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो ईजिली कर पाएंगे, और SSD का भी स्लॉट है, रिप्लेस करके अपग्रेड कर पाएंगे। सो 48,000 में काफ़ी अच्छा लैपटॉप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो प्रोवाइड करता है विद द अमेजिंग स्पेक्स, अमेजिंग क्वालिटी, एंड डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना मिल जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये लैपटॉप से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक मारो, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ओनली 6% पीपल ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब इट अगर कंटेंट अच्छा लगता है। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।